ये है पाकिस्तानी चौक, यहाँ पर ये देख लीजिए कितना क्राउड है। ये इनका लाइव किचन है, ब्रेकफास्ट आ गया। पराठा यू लाइक इट? मटन मटन। हमारी सैरी आ गई है। पाकिस्तानी फेमस रेस्टोरेंट, उसके ऑनर हैं। यहाँ पे जो स्पेशलिटी है लच्छा पराठा है। जी नाज़रीन, तो ये है पाकिस्तानी चौक, इसको बोला जाता है यहाँ शारजा में। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कितना क्राउड है दुबई के अंदर, किस तरीके से ये लोग सैरी करते हैं। और पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पर आके अपनी सैरी करते हैं, और शाम को भी इसी तरीके से रश होता है यहाँ पर। ये इनका लाइव किचन है, ये देख लीजिए पाएज। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, अभी हम इसकी सैरी कर लेंगे। इस टाइम हमारे साथ एक लबनानी दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी पाकिस्तानी खाने के लवर निकले हैं माशाल्लाह से, यहाँ सैरी करने वो आए हैं। तो सर, हाउ डिड यू रेट द पाकिस्तानी फूड? What did you feel when you eat the food? Very tasty. I love spicy. You like the spicy food? Yeah. So what is your favorite dish? Yani you don't know the name of the dish. Paratha, you like it, yeah? And by the way, always biryani to eat, yeah? Mutton. Ah, okay. Mutton. You like to eat the mutton? Mutton, yeah. Okay. Every day in Ramadan, Pakistani food I eat. Ah, okay. Especially Pakistani food every day in Ramadan. In Ramadan, yeah. ये देखिए माशाल्लाह से लबनान के ये दोस्त हैं, तो ये कहते हैं कि जब रमज़ान आता है तो मैं पाकिस्तानी स्पेशल फूड खाता हूँ, स्पेशली पाकिस्तानी फूड खाने के लिए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का विज़िट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी जनाब, तो बिल्कुल हमारी सैरी आ गई है, आप देख लीजिए। तो इंशाल्लाह अभी हम खाएँगे, तो उसके बाद जो है अपने दोस्तों से भी फीडबैक लेंगे। नाज़रीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने जो है आज की सहरी बहुत अच्छे से एंजॉय की, और जुगत पानी के साथ एंजॉय की है। डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जनाब, वेलकम सर जी। है जी जुगत पहले लाई जी, जरा दोबारा लाओ ना। जेडे ने ना डॉक्टर उस्मान साहब, इधर कैमरा घुमाइए जनाब। डॉक्टर उस्मान साहब, इन्हों मैं लै गया एक कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर बना के, हाँ जी। तो इन्हों की अपनी लत वेंगी सी, है तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहड़े ने, हड्डियों के डॉक्टर ने, तो उन्हें किस चीज़ का इलाज कर रहे, कहा अजकल मैं अपनी लत का इलाज कर रहा। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं जो ये पाकिस्तानी फेमस रेस्टोरेंट यहाँ शारजा के अंदर है, उसके ऑनर हैं मोहम्मद साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम। और हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या स्पेशल है जो सहरी में और अफ्तार में आप सेल कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर आप ये बताइए कि क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी यहाँ पर? देखिए, ये नान कुलचा हाउस है, और वैसे तो सहरी में आपने जिस तरह पीछे रश देखा है, तो काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पर सहरी कर रहे हैं सब। और यहाँ पर जो स्पेशलिटी है हमारी, जो लच्छा पराठा है, कुलचे है, स्पेशल कुलचे है, आलू नान, कीमा नान, आलू चीज़ नान, और इनके साथ हम खाने की डिशेस भी करते हैं सर्व, जो सहरी में आई जाती है। वैसे माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फैमिली का एक जम्मे गफीर है आपके रेस्टोरेंट के आसपास, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है एक हिसाब की। तो ये आपकी जो ज़्यादातर ट्रैफिक है वो शारजा की है या दूसरे शहरों की है? नहीं, बाकी शहरों से भी लोग आते हैं। और हमारे पास इधर आने की मेन रीज़न ये है क्योंकि ये जगह जो है इसको एक किस्म का पाकिस्तानी चौक यहाँ पे इसको बोला जाता है, बोला जाता है जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपको एक पाकिस्तानी माहौल भी मिलेगा, जैसे लोग लाहौर इस्लामाबाद आपके अच्छा, शहरों में। मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मेरा भी आने का मकसद यही है कि क्योंकि यहाँ पर एक पाकिस्तानी टेस्ट, रियली पाकिस्तानी टेस्ट मिलता है यहाँ पर। लोगों को आप कुछ बोलना चाहते हैं आप अपनी स्पेशलिटी के बारे में, तो प्लीज़। जी बस लोगों को मैं यही कहूँगा कि जिधर भी है एक बार लाजमी यहाँ पर ट्राई करें सहरी की, यहाँ पे फील है कि लोग यहाँ पे एक फील आती है ऑथेंटिक, जो लोग पाकिस्तान से इधर आए, जो लोग इधर आए हैं रहते हैं, तो जो उनको माहौल पाकिस्तान में सहरी के टाइम दोस्तों फैमिली के साथ बाहर बैठने का मिलता था, वो यहाँ पे भी उनको मिलेगा इंशाल्लाह। एक बार आए, खाना ट्राई करें, तुमको हर चीज़ पसंद आएगी। जी तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।